हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2, क्लास 10th, न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब हम इसमें a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 का मतलब है x का कोएफिशिएंट और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट। इसको पहले वाले को a1 बोलते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो पहले x के साथ a1 आता है, दूसरे में a2 आता है, इसको a2 मान लेते हैं। तो ये a1 a2 3y2 आ गया। B1 अपॉन B2 निकालेंगे। अब हम यहाँ पर B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 अपॉन B2 में क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट आएंगे विद साइन। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर -3 आ गया। तो 2 और -3 यहाँ आ गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, यहाँ पर कंडीशन लग रही है यहाँ पर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहाँ पर कंडीशन लग गई A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ए वाली कंडीशन लग रही है, क्यों लग रही है, क्यों, यहाँ पर 3y2 नॉट इक्वल टू -2y3। तो इस पे जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होते हैं, तो इसके क्या नाम होते हैं, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी कंसिस्टेंट है, तो पहला नाम कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, तो ये आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा कि कंसिस्टेंट को इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। जैसे ये लाइन दूसरी लाइन को ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट के नाम से उन्होंने ढूंढने के लिए कहा है, तो ये कंसिस्टेंट है। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। तो हमारे पास क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 2 होगा यहाँ पर और a2 यहाँ पर 4 आएगा। इसे जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, बन जाए 2, 2 2 जाए 4, 1/2। अब हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 b2 में y के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, y के। तो यह y का कोएफिशिएंट -3 है, यह -6 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 बन जाए 3, 3 2 जाए 6, ये 1/2 आ गया। अब हम यहाँ c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 में क्या है, 8/9। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, C1 अपॉन C2 8/9। यहाँ पर हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इजुकल टू B1 अपॉन B2 इजुकल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यह है क्यों, हमने देखा 1/2 A1 A2 है और B1 अपॉन B2 क्या है, 1/2 है, और C1 अपॉन C2 क्या है, 8/9 है, जो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन लगी, जो हमने ऊपर यहाँ कंडीशन लिखाई थी आपको, यहाँ पर ये कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नो सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइंस ही बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर किसके नाम से इन्होंने देख रहे हैं, इनकंसिस्टेंट के नाम से यहाँ पर पहचान कर रहे हैं। तो यहां पर आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बना। यहां पर ये कैसा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि ऐसे एक लाइन है ना और दूसरी लाइन भी ऐसे ही पैरेलल बन जाएगी, तो ये अब बन गई पैरेलल लाइंस और इनका कोई नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इतने नाम है। तो यहाँ पर इसका कौन सा नाम, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, ये आंसर आ गया आपका। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 3x/2 + 5/3 = 7, 9x - 10 = 14 है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 3/2, इसे डिवाइड कर दो। ये रैशनल नंबर है ना, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा दो, इसके नीचे 9 मत लो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, इसके नीचे 1 ले लो। इसे सॉल्व करोगे तो 3/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a इंटू में बदल गया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/9 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1 × 1 = 1/3, 2 = 6, 1/6 आ गया। और या वैसे आप डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पर 3/2 × 2 × 9 करना होता। हमने क्या किया, 3/2 को 9 से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे 1 ले लिया, डिवाइड का साइन इनटू में बदल गया, 9/1 रेसिप्रोकल हो गया 1/9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ये कट गया, 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे b1/b2, तो यहाँ पर इसकी b1 की वैल्यू कितनी है, 5/3, और इसे किससे डिवाइड करना है, -10 से डिवाइड करना है, तो -10/1 ले लो यहाँ पर। तो 5/3, डिवाइड का साइन इनटू में बदल जाएगा, और माइनस ऊपर ही रहने दो, 10/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10, डिवाइड का साइन इनटू में, और डिवाइड के बाद जो आगे नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये -1/6 आ गया, -1/6 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, c1/c2 कितना है, 7/14, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 1/2 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्यों, a1/a2 1/6 आया और a आया -1/6, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस पे होता है कंसिस्टेंट, कौन सा होता है, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आया कंसिस्टेंट, आया ये आपका कंसिस्टेंट आया, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर बोल सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपका आ गया कंसिस्टेंट। अब हम आपको बताएंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट अब हमारा है, फोर्थ पार्ट 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। तो यहाँ पर आप a1/a2 निकालो। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, और a2 क्या है, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का, तो -10, 5 × 5, 5 × 2 = 10, -1/2। अब यहाँ पर आप क्या निकालो, यहाँ पर आप निकाल लो b1/b2। तो b1/b2 क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन का y कोफिशिएंट -3, और b2 क्या आएगा, y कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का 6, 3 × 3, 3 × 2 = तो -1/3। अब यहाँ पर c1/c2 कांस्टेंट टर्म होती है, 11/, यहाँ पर b1/b2, यहाँ पर a1/a2, b1/b2 -3/6 आ गया, -1/2 यहाँ पर आ जाएगा ये कट करके, क्योंकि 2 है। c1/c2 11/-22, 11 × 11, और ये आपका आ गया 2, तो -1/2। यहाँ से हमने क्या देखा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये सबके सब इक्वल आ गए -1/2। तो यहाँ पर आपका कंसिस्टेंट होगा। वैसे होता है इस पे ये तीनों इक्वल आ जाती हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ इनका एक ही लाइन के ऊपर आ जाता है, दोनों लाइन का ग्राफ सेम बनेगा। तो इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, को इंसिडेंट भी बोलते हैं, और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं।
तो यहां पर क्या कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ये आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रखेंगे, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा यहां पर, कंसिस्टेंट। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है 4x/3 + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a1 / a2। a1 / a2 का मतलब है यहाँ a1 x का कोएफिशिएंट है, तो ये 4/3 आ जाएगा। और डिवाइड का साइन हम इसलिए ऐसा डाल रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर है ना, तो ऐसा डिवाइड का साइन लो। ए टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2, और 2 के नीचे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 4/3 आ गया। डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट कर दो और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड के आगे जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम इनटू में बदलते हैं। तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फिर हम 2 से काट देंगे, 2 जा 4 आ जाएगा, 2 बन जा 2/3 नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y 2 और इसका कोएफिशिएंट बाय 3, तो 2/3, तो ये देखो 2/3 यहाँ पर भी आ गया, 2/3 यहाँ पर भी आ गया। अब हम किसको निकाल के रख लेंगे, c1/c2 को। c1/c2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होती है, 8/12, इसको काट दो, 4 2 जा 4 3 जा। तो हमने क्या देखा कि तीनों इक्वल आ रहे हैं, हमने देखा a1/a2 और b1/b2 = c1/c2, सबके सब 2/3 आ रहे हैं। तो जब तीनों के तीनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होता है, कोइंसिडेंट भी होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हमें लिख देना है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कंसिस्टेंट के नाम से। इसमें क्या आएगा मैनी सॉल्यूशन में, कि जब एक ग्राफ बनाओगे और दूसरी लाइन का ग्राफ बनाओगे तो सेम एक ही लाइन पे बनाए आएंगे, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ पूरा, जिसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th पार्ट कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद।